नेस्ले की मैगी का केस खत्म होते ही अब एक बार फिर से नेस्ले के ऊपर नया केस आकर खड़ा हो गया है और इस बार का मामला बच्चों के फूड प्रोडक्ट्स को लेकर है। दरअसल भारत में नेस्ले की बेबी फूड प्रोडक्ट सेरिलैक में बहुत ज्यादा मात्रा में चीनी पाए जाने का मामला सामने आया है और इस मामले के सामने आने के बाद सरकार ने रिपोर्ट की जाँच करने के आदेश दिए हैं। तो आइए आज हम जानते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। गाइस, नेस्ले कंपनी किसी न किसी मुद्दे को लेकर अक्सर विवादों में रहती है और इसी बीच एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि नेस्ले भारत में बेचे जा रहे बेबी फूड प्रोडक्ट में चीनी मिला रही है और इस रिपोर्ट के बाद से कंपनी सरकार के निशाने पर आ गई है और सरकार ने रिपोर्ट की जांच करने को कहा है। वहीं ये बात भी सामने आई है कि कंपनी यूरोपीय देश जैसे कि ब्रिटेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में अच्छी क्वालिटी की कम चीनी वाले प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कंपनी भारत और अन्य विकासशील देशों में चीनी वाले उत्पाद और यूरोपीय देशों में बिना चीनी और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट क्यों दे रहा है। और इसका पता तब चला जब इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क और पब्लिक आई ने नेस्ले के बेबी फूड प्रोडक्ट सेरिलैक और दूध वाले प्रोडक्ट नीडो के उत्पादों की टेस्टिंग कर एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कंपनी पर आरोप लगाए गए हैं कि कंपनी भारत समेत विकासशील देशों में हाई शुगर वाले बेबी फूड प्रोडक्ट बेच रहा है। वहीं WHO ने भी अपना बयान जारी किया है। WHO ने कहा है कि अगर शिशुओं को शुरुआत से ही हाई शुगर प्रोडक्ट दिए जाएंगे तो उन्हें मोटापे के साथ साथ और भी ज्यादा गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं 2022 में भी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने भी बेबी प्रोडक्ट्स में चीनी मिलने पर रोक लगा दी थी। तो अब नेस्ले ऐसा क्यों कर रहा है? IBFAN और पब्लिक आई की रिपोर्ट पर अब कंपनी का जवाब आया है। कंपनी ने कहा है कि हमने पिछले 5 सालों में बच्चों के उत्पादों में शुगर की मात्रा को करीब 30% कम किया है। उनका कहना है कि वो हमेशा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट देते हैं। वो बच्चों की सुरक्षा और स्वाद से कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, लेकिन अब देखना ये है कि सरकार ने जो जांच के आदेश दिए हैं उससे क्या निष्कर्ष निकलता है। गाइस, आपका इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।